हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़े। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये बेसन ले रखा है और ये कुछ मैंने मसाले लिए। इसमें जीरा है आधा एक चम्मच, आधा चम्मच मेथी है, ये राई है बनारसी राई, ये करी पत्ता है थोड़े, ये लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है 2 चम्मच और छोटा 2 चम्मच, और ये हींग है 1 चम्मच छोटी, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये मस्टर्ड ऑयल है, और ये नमक नमक ले रखा है, और मैंने ये दही ले रखा है दही। तो अब मैं पहले ये अपनी कढ़ाई को गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर दे रही हूँ, ताकि कढ़ाई गरम होती रहे। तब तक मैं बेसन को मुझे अच्छे से फेंटना है। तो मैं कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालकर, ये देखिए मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, और मुझे कढ़ाई अब ये ऑयल मेरा गरम जब तक होगा तब तक मुझे बेसन को फेंटना है अच्छे से। ये मैंने बेसन ले रखा अलग थोड़ा, तो इसको इसमें मैं मसाले ऐड करके और इसको मिक्स कर ले रही हूँ, और इसको मैं दही दही के घोल बना ली हूँ बेसन और दही को मिक्स करके। तो मैं इसमें ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, और ये नमक थोड़ा सा, और मुझे ये लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। अब मुझे इसका पेस्ट बनाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना ले रही हूँ। ये मुझे अच्छे से पेस्ट बना करके फिर मुझे घोल में तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं। ये जो पकौड़े वाले का हमें घोल बनाना है, उसको मुझे बहुत ही ठीक बनाना है, और उसे हमें कायदे से फेंटना है खूब अच्छे से, तभी उसका बेसन जब फूलेगा तो पकौड़ियाँ उसकी फूली फूली आएंगी, वरना पकौड़ियाँ उसकी सही नहीं बन पाती हैं। ये देखिए बेसन मेरा घुल चुका है एकदम सही। अब मैं इसमें ये दही जो मैंने लिया है, एक खट्टा दही है, तो इसमें मैं ये बेसन अपना ये ऐड कर दे रही हूँ, और अब मुझे ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बेसन को मुझे खूब अच्छे से मिक्स करना है, मैं इसकी सहायता से, ये देखिए मेरा बेसन इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है दही में, और मैं इससे अलग रख दे रही हूँ, ताकि बेसन भी मेरा फूल जाएगा। तब तक मैं अपने पकौड़े का ये घोल तैयार कर रही हूँ, उसको मुझे थिक उसका बनाना है। ये देखिए एकदम सही बन गया है, और ये मैं इसे साइड पे रख दे रही हूँ। और जो ये मैंने ये बेसन का लिया है, तो इसमें मैं थोड़ा नमक डालूंगी पकौड़े में, और ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और ये मिर्च लाल मिर्च, और मुझे अब इसे हाथों से हल्का हल्का पानी डाल के खूब अच्छे से घोल तैयार करना है मुझे। यूं ये देखिए मेरा ये बेसन अब फिट के एकदम तैयार हो गया है। देखिए मैं इसमें पानी में ये बेसन अब डालूंगी, तो देखिए ये ऊपर उठ जाएगा, ये देखिए ये ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये बेसन हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है हम पकौड़ा बनाने के लिए। ये एकदम इससे फूली फूली पकौड़े हमारे बन के तैयार होंगे। तो चलिए अब हम पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। आई देखिए मेरा ऑयल भी एकदम गर्म हो गया है, आई देखिए मैं ये देखिए ऑयल गरम हो गया, मैं पकौड़े अपने सब एक एक करके डाल दे रही हूँ, और देखिए ये एकदम फूले फूले पकौड़े बनके तैयार हो जाएंगे।
ये देखिए, इसमें बेसन को हमें अच्छी तरीके से उसको फेंटना है, और जब ये आप पानी में डालेंगे फेंटने के बाद तो ये ऊपर जब उठ जाएगा तब समझिए बेसन आपका ये हो गया है। और देखिए मैं ऐसे सब पकौड़े बना ले रही हूँ। ये देखिए मेरे पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए एकदम फूले और सॉफ्ट बने हुए हैं। अभी मैं आपको और मैं इसी तरह अपने दूसरे भी पकोड़े बना ले रही हूँ। ये देखिए और ये एकदम सॉफ्ट और फूले फूले से बनते हैं। इसमें ये है कि बेसन को खूब अच्छी तरह से फेंटना है और उसको चेक करना है पानी में डाल के ये ऊपर आ गया कि नहीं। अगर ऊपर आ गया है तो ये बेसन आपका एकदम सही है बनाने के लिए पकौड़े, और पकौड़े एकदम फूले फूले से आते हैं ये जालीदार। ये देखिए मेरे ये पकौड़े बन के अब तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए मेरे सारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये अब मैं इसमें तड़का लगाने के लिए, अब मैं मुझे इसमें इतनी तेल की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं इसका तेल इसमें से कम निकाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल कम कर दिया है। मैं ये 2 चम्मच मैं ऑयल ले रही हूँ। अब मैं इसमें अपने ये मेथी, ये इसकी गैस की फ्लेम अभी हम स्लो रखेंगे, और इसमें मैंने ये मेथी दाना अपने डाल दिए हैं, और ये जीरा, और ये हमने करी पत्ता जो ली थी, और ये लाल मिर्च, और ये मैंने राई जो ले रखी थी, इन सबको मुझे अच्छे से इनको पका चटकना, जब तक ये चटक जाता है इसके अभी पूरे पक चुके हैं। अब मैं इसमें ये हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। देखिए हो गया है। और मैं इसमें ये हींग डाल दे रही हूँ, और ये मैं थोड़ा लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। और अब मैं ये अपना जो ये बेसन का घोल था हल्दी बेसन का वो मैं डाल दे रही हूँ, और मुझे चलाते रहना है। ये देखिए मुझे ऐसे चलाते हुए इसे बनाना है। अब जब इसमें ये उबाल आ जाएगी तब मैं इसमें नमक डालूंगी, और उसके बाद ये मुझे अपने ये पकौड़े डालने हैं। और इसमें अभी मुझे थोड़ा सा ये अभी बेसन जब पकेगा तो ये थोड़ा गाढ़ा होगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। ये मैंने 1/2 ग्लास पानी लिया है, और इसको मुझे अच्छे से बॉयल आने तक पकाना है। ये देखिए अब कढ़ी में मेरे उबाल आ गया है। अब मैं इसमें अपना ये नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक आपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिए। और मैंने इसके घोल में और पकौड़े में भी थोड़ा थोड़ा नमक मिलाया था, इसलिए नमक अपने टेस्ट के अनुसार मिलाइए। और ये देखिए अब मैं इसे चला करके अब मैं इसमें अपने ये पकौड़े डाल दे रही हूँ। इसको गाढ़ा और पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसे ये मीडियम ही अच्छी लगती है। देखिए मेरे ऐसे है ये, तो अब मैं इसमें अपने ये पकौड़े डाल दे रही हूँ। और देखिए पकौड़े कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए एकदम एकदम वो हो जा रहा है स्पंज टाइप में। तो ये मैं अपने ये सारे पकौड़े इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और अब मुझे ये 5 मिनट के लिए पकाने हैं, जब तक ये पकौड़े ये अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो जा रहे हैं। तो मुझे ये 5 मिनट के लिए यूं ही ढक करके मैं पका ले रही हूँ इनको। ये देखिए कढ़ी मेरी अब बन चुकी है, और मैं इसमें थोड़ा सा ये कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ हाथ से कस करके, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए मेरी
कढ़ी बन के तैयार है सर्व करने के लिए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए एकदम पकौड़ी, देखिए एकदम सॉफ्ट बनी हुई है इसके पकौड़े। ये देखिए मेरे कढ़ी पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।